नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो भाई, यूपी पुलिस के जो कारनामे हैं वो 10-15 दिन में एक ना एक बार सोशल मीडिया पर जरूर देखने को मिल जाते हैं। यूपी पुलिस के कारनामे, क्या ये लोगों के कारनामे कहा जाए तो ज्यादा ठीक है। ये तो बस उन कारनामों का फाइनल टच देते हैं। चैनल पर पहले भी आपने देखा होगा, कुछ नवाबों की यूपी पुलिस ने कायदे से खातिरदारी की थी, जिसके बाद उनकी नवाबी निकल गई थी। आज फिर से उसी से मिलता जुलता कुछ देखने को मिलेगा, जो मिस्टर कार्तिक यादव जी ने मुझसे इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। ये इंसिडेंट यमुना एक्सप्रेसवे का है, जिसका वीडियो रिसेंटली यूपी पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है। यहाँ पर आपको साफ दिखाई पड़ रहा होगा, एक रिट्स बस को ओवरटेक करके आगे रुकती है और उसमें से दो लोग उतर कर आते हैं और अचानक से बस ड्राइवर को डंडे से पीटने लगते हैं। हालांकि इन्होंने ऐसा क्यों किया वो नहीं पता, हो सकता है रास्ते में चलते चलते कुछ हो गया और इनको गुस्सा आ गया हो। लेकिन दोनों ही लोग शायद भूल गए कि वो यूपी में है और यहाँ पर ऐसे फर्जी का गुस्सा दिखाने से काम नहीं चलता है। और इनका भी बिल्कुल वही हाल हुआ जो पहले दोनों का हुआ था। भाई लोगों की गाड़ी तुरंत सीज कर दी गई और इनको जेल में डाल दिया गया। यानी अब लाठी मारने का नहीं, खाने का टाइम है। खैर, यूपी पुलिस ने बहुत सही किया, ऐसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। आप भी इन चीजों को देखकर थोड़ा समझें और ये सब फालतू की बेवकूफियां मत करें। तो गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।